आज़ादी का 77वां साल और जिस तरह हम वर्षगांठ मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की 76वीं। आज़ादी की बात हो और महिलाओं की बात ना हो ये तो मुमकिन नहीं। कहीं ना कहीं जो भागीदारी है आदि आबादी की भी रही है आज़ादी में, और हम बात कर रहे हैं आज महिलाओं की, उनकी ताकत की, उनके सशक्तिकरण की। तो यहाँ पर हमारे साथ और महिलाएँ भी हैं, महिलाएँ बेगम्स ऑफ भोपाल की मेम्बर्स, बेगम्स यहाँ पर बेगमात जो हैं वो साथ में जुड़ी हुई है हमारे साथ। और सवाल जिस तरह हम कर रहे हैं उसी को और आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ यास्मीन, बेगम यास्मीन हैं सामने बैठी हुई हैं। उनसे पहला सवाल हमारा यही जी, बहुत इस्तकबाल करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम में, जैसा कि हम आज़ादी का 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और बात हम करते हैं महिलाएँ जो कि हमारे देश की आधी आबादी कहलाती हैं, उनमें क्या लगता है आपको सशक्तिकरण जो कहा जाता है कि पूरी तरह आज वर्तमान समय में महिलाएं सशक्त हैं, लगता है आपको कि सच में हैं सशक्त महिला? नहीं, मेरी नज़र में आज भी और प्रोग्रेस और इनको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और अभी तक पूरी तरह हम नहीं हुए इंडिपेंडेंट और हमें और ज़रूरत। रुकावट कहाँ देखती हैं आप, क्या लगता है कहाँ पर ये रुकावट है जो महिलाएँ पूरी तरह स्वतंत्र या बात करें सशक्त की नहीं हो पाए? मुझे लगता है कि लेडीज़ इंडिपेंडेंस इसलिए नहीं हुई है कि घर में उनके जो माहौल मिल रहा है उनको ज़्यादातर घर के काम और बच्चों की जिम्मेदारियां बहुत हैं तो अपने ऊपर ध्यान कम दे पाती हैं। एजुकेशन के मामले में मैंने देखा कि कई लेडीज़ मेरे पास आती हैं, कहती हैं हमारे आदमी घर में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, बच्चों को हम पढ़ाएं तो कैसे, तो एजुकेशन वो सेकेंडरी उस पर रखती हैं, तो कहती हैं कि हम पढ़ा ही नहीं पा रहे, हम स्कूल ही नहीं भेज पा रहे, हम बस की फ़ीस नहीं जमा कर पा रहे। तो मुझे लग रहा है कहीं हमें उस तरफ देखना चाहिए कि एजुकेशन और सपोर्ट हम लेडीज़ को किस तरह। तो हमारे साथ एक और बेगम, एक महिला साथ में मौजूद है, उनसे उनका तारुफ जानना चाहूँगी और अपने सवाल को आगे बढ़ाऊँगी। जी, मैं शिबा परवेज भोपाल से ही हूँ, बेगम्स ग्रुप से हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। वैसे शिबा, सवाल हमारा यही कि हम बात कर रहे हैं महिलाओं की ताकत की, उनके सशक्तिकरण की, बातें बहुत होती हैं, कहा जाता है कि हम पूरी तरह सशक्त हैं, महिलाएं भी और पुरुष भी कहते हैं कि हर तरह की आज़ादी, हर तरह की अधिकार महिलाओं को मिल रहे हैं, तो क्या लगता है महिलाएँ आज पूरी तरह सशक्त हो पाएँ? मेरा ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जी कहीं ना कहीं हमारी महिलाएं पावरफुल हैं और हो रही हैं। देखिए, हमारे देश की हमेशा से ये परंपरा रही है, हमने जो महिलाएं हैं उनको बहुत एक अच्छा मुकाम दिया है। शुरू से देख लीजिए आप, अंग्रेज़ों के ज़माने से इंडिपेंडेंस आई, फिर अब देखिए कितनी महिलाएं लीडर्स रही हैं हमारे देश में, कितनी पावरफुल महिलाएं रही हैं। आज की बेटियों को, आज की बहनों को उनसे सबक लेना चाहिए। और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मगर मैं ये कहूँगी कि नहीं, महिला हो रही है सशक्त, महिला पावरफुल हो रही है, बस थोड़ी सी ज़रूरत है उनको पुश करने की, थोड़ा सा आगे बढ़ाने की, थोड़े से फैमिलीज़ का सपोर्ट के लिए, कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। एक पुरुष जो महिला के पीछे है, या जैसे कहा जाता है ना कि एक पुरुष को बनाने में महिला का हाथ होता है, तो महिला को बनाने में भी पुरुष का बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसके फैमिली की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ये रोल अगर निभाया जाए तो आज मतलब महिला बहुत अच्छे लेवल पर। बिल्कुल, जैसा कि हमारे साथ एक और बेगम मौजूद है, हम बात कर रहे हैं अभी, बेगम शिबा ने भी यही कहा कि पुरुषों का सहयोग बहुत अहमियत रखता है महिलाओं को आगे बढ़ाने में। आपका क्या सोचना है, क्या महिलाओं को आगे बढ़ाने में पुरुषों का कहीं ना कहीं कमी रही है उनको आगे बढ़ाने में, या किसी और तरह के शिक्षा की बात करते हैं, सामाजिक तौर पर बात करते हैं, आर्थिक तौर पर, तो उसमें किसी तरह की कोई कमी, जब हम बात कर रहे हैं सशक्तिकरण की, और कहीं ना कहीं कमी है अभी महिलाओं को? डेफिनेटली जो आज का यूथ है वो बहुत डिफरेंट है हमारे टाइम से। अब आप हमारे टाइम ले लीजिए, 30 साल पहले जब हम कॉलेजेस में थे तो हमको ये सिखाया जाता था कि यू सेव मनी फॉर मैरिज ओनली फॉर गर्ल्स, नॉट फॉर हायर एजुकेशन। अभी मेरा, अपनी दो बेटियां हैं, मेरा भी ये है कि मैं सेव कर रही हूँ मनी कि उनको हायर एजुकेशन दूँ और आगे से आगे बढ़ाऊँ। तो इसी तरह जैसा कह रहे हैं कि उसमें लड़कों का या मैन पावर कहाँ है,
तो बहुत डिफरेंस हो गया है। अब आप देखिए जो लड़के हैं वो हाउस होल्ड वर्क में भी बहुत इंटरेस्ट लेने लगे हैं, उनको बिल्कुल ये नहीं लगता कि ये काम सिर्फ औरत की ही जिम्मेदारी है। अभी आप आजकल के यूथ को देखिए कि इनफैक्ट उन लोगों ने तो डिवाइड कर लिए हैं कि भाई 3 दिन मैं काम करूँगा, 3 दिन तुम करोगे, बच्चे को मैं देखूँगा, बच्चे को तुम देखोगे। और आप गवर्नमेंट की तरफ से भी देखिए कितना बड़ा एक हमको वो मिला है कि पहले से फादर्स नेम आता था स्कूल, लेकिन अब वो लोग मदर्स नेम भी पूछते हैं। हमारे साथ एक बेगम और मौजूद हैं, बेगम साहबा। जैसा कि हम महिलाओं की बात कर रहे हैं और हमारे पास यहाँ बहुत सारी महिलाएं देख रहे हैं आप, ताकत है महिलाओं की, इकट्ठा है महिलाएं, तो बात हम शिक्षा की कर रहे हैं। जैसा कि अभी बेगम फरीन ने कहा कि शिक्षा कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में जो कमी है, क्या लगता है किस तरह की कोशिश, किस तरह की कवायद की जाए कि हर जगह बराबर की शिक्षा और बराबरी मिल सके महिलाओं को आगे बढ़ने की? देखिए जैसे अभी सबने बोला था, मैं इनके साथ तो मैं सहमत हूँ, बट मैं यही बोलना चाहूँगी जो आप एजुकेशन पे बात कर रही हैं, एम्पावरमेंट एजुकेटेड जी लेडीज़ जी, तो जो हमारे गांव है सिर्फ शिक्षित महिलाओं की नहीं, हर हाँ। हर क्षेत्र में देखिए हम सामाजिक तौर पर भी महिलाएं पावरफुल होनी चाहिए, आर्थिक तौर पर भी, तभी वो अपने आप को सशक्त कर। देखिए आर्थिक फाइनेंशियली तो मेरे हिसाब से के एजुकेटेड हैं आप, फाइनेंशियली अपने घर को हेल्प कर रही हैं, सोसाइटी को हेल्प कर रही हैं, बट मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पूरी सोसाइटी को मेंटली एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। आप अभी भी रात में घर में अगर आप देख लीजिए, एक औरत अपने हस्बैंड से 2 गुना ज़्यादा कमा रही है, बट रात में क्या होगा अगर उसे कहीं निकलना है, तो मेरे हिसाब से तो घर वाले खड़े हो जाएंगे कि नहीं नहीं इसको साथ में ले जाओ, उसको साथ, तो अकेली कैसे जाओगी रात को 2 बजे से कहीं। कमी आपको क्यों लगती है कि ये कमी है? मेंटल अपनी मानसिक तौर पे एक जो शुरू से बेड़ियाँ जो पहना दी थी औरतों को, और उससे अपनी सोसाइटी अभी निकल नहीं पा रही है। आप चाहे कितनी भी एजुकेटेड हो जाएं, लेकिन ये बात भी वहीं से जुड़ती है शिक्षा। हाँ, क्योंकि जब तक वही मेंटली एजुकेशन, मेंटल एजुकेशन जो है ना, कि आप अपना विजन क्लियर रखिए, आप उनको सपोर्ट करिए, घर वाले जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, घर वाले जब तक उनको एनकरेज नहीं करेंगे, तो बाहर कैसे जाएंगी, वो दुनिया से कैसे लड़ेंगी, आप ये तो बताइए। बिल्कुल सही बात है, बहुत खूबसूरत बात कही है साहबा ने, कि दुनिया से लड़ने के लिए परिवार का साथ बहुत ज़रूरी है, और परिवार के साथ के साथ शिक्षा, आर्थिक तौर से मजबूती और मानसिक तौर पर मजबूत होना महिलाओं के लिए बहुत ताकत देता है। तो आज की इस पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।